हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार आज आपसे जुड़ा हूँ एक नई प्लानिंग के साथ, एक नए एफर्ट के साथ। दोस्तों, अभी हाल ही में यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। बहुत सारे साथियों का नेट क्लियर हुआ, बहुत सारे साथियों का JRF क्लियर हुआ, बहुत सारे साथी बहुत कम मार्जिन से चूक गए, बहुत कम मार्क्स से जो है वो उनका क्लियर नहीं हो पाया यूजीसी नेट। तो इट्स नॉट ए बिग इशू, कोई बड़ा बड़ी टेंशन की बात नहीं है। अगले 6 महीने में फिर एग्ज़ाम आ रहा है, और ये 6 महीने जो हैं आप थोड़ा एनालिसिस करिए कि कहाँ कमी रह गई, किस तरह की तैयारी हमने की और किस तरह की तैयारी जो है वो करनी चाहिए थी। कुछ एक ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जहाँ हम लोग थोड़ा सा मिस कर जाते हैं, और दोस्तों कई बार थोड़ा लक जो है वो भी साथ नहीं देता, और हमारी कहीं ना कहीं प्लानिंग में कुछ ना कुछ कमी अवश्य रह जाती है। तो हमें वो एनालिसिस करना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई। दोस्तों, बहुत सारे साथियों के मुझे मेल मिलते हैं, कमेंट करते हैं कि आप प्रॉपर ऑनलाइन तैयारी करवाइए। तो दोस्तों, बस उन्हीं सारे जो मेल्स हैं और कमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने एक शेड्यूल बनाया है कि हम लोग किस तरह अगले 6 महीने में यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे। तकरीबन इसमें 35 से 40 के करीब जो वीडियो हैं, हो सकते हैं कुछ वीडियो 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट की भी हो जाएं, लेकिन वो आपका जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो अवश्य उसमें कवर हो जाएगा। और हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उसमें उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने रिसर्च किया कि क्या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं, तो बहुत बड़ी संभावना है कि वो जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं वो आपकी रिपीट नहीं होते। लेकिन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से हमें एग्ज़ाम के पैटर्न का पता चल जाता है, तो इसलिए वो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम किस तरह आएगा, क्वेश्चंस किस लेवल के आएंगे, किस तरह के आएंगे, तो हमें बहुत सारी हेल्प जो है वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से हो जाती है, तो इस दौरान हम वो भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगले महीने से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एक हफ्ते में या 4-5 दिन में एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूं जो यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे बात करें और वो सारे कंसेप्ट जो यूजीसी नेट के लिए बेहद ज़रूरी हैं हम उनका सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आएँ, डिस्कशन करें, और जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहे। कुल मिला के जब मैंने शेड्यूल बनाया तो तकरीबन 35 से 40 वीडियो का वो कंटेंट मुझे नज़र आया, जिसमें हम 35 से 40 वीडियो अगले 6 महीने में पूरे यूजीसी नेट के सिलेबस को कवर करने में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्द ही अगले 3-4 दिन में मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो शेड्यूल वाइज, जैसे हमारी 10 यूनिट हैं अगर सिलेबस में, तो 10 यूनिट में से कंप्लीट सारा जो हमारा कंटेंट है, जो कंसेप्ट है, वो उसके बाद आपके कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ ऐसी सामग्री जो नेट को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, इस लेक्चर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि किस तरह हम यूनिट वाइज अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, और यूनिट 1 में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे कि यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन के सिलेबस में किस यूनिट से किस तरह के और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, मैंने पूरे सिलेबस को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया है। आपने देखा होगा कि यूजीसी नेट सिलेबस में ऑलरेडी 10 यूनिट हैं, और इन सारी यूनिट्स के तकरीबन एक अनुमान के हिसाब से 35 से 40 लेक्चर बनेंगे, मे भी कुछ ज़्यादा भी बन जाएं। हम यूनिट वाइज कंटेंट डिस्कशन करेंगे, मेन टॉपिक्स को समझेंगे और उन टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये भी देखेंगे। जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, साथ ही चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बुक भी सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, और अगर नोट्स आपने बनाए हैं तो वो किस तरह के होने चाहिए। इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज मैं चर्चा कर रहा हूँ यूनिट 1 से, पत्रकारिता और जनसंचार की संकल्पना और भारत में जनसंचार। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि यूनिट 1 का जो ये पार्ट है बहुत बेसिक है, और ये आपने
बहुत बार पढ़ा होगा। दोस्तों, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि पत्रकारिता और जनसंचार से तात्पर्य उन सभी माध्यमों से है जो लोगों तक संपर्क स्थापित करने के लिए, सूचनाएं पहुंचाने के लिए और संचार स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप इस पार्ट के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, केवल जे कुमार की मास कम्युनिकेशन इन इंडिया बुक पढ़िए या मास कम्युनिकेशन के बेसिक नोट्स भी पढ़ सकते हैं। आप कोशिश करिए आपके पास जो आपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए बुक खरीदी हुई है, आप फर्स्ट चैप्टर तो वहाँ से ज़रूर पढ़े, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के बाद जो उन्होंने एमसीक्यूज़ उसी चैप्टर से रिलेटेड दिए हुए हैं वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। आप कोई भी बुक पढ़िए, लेकिन ये ध्यान रहिए कि कंटेंट से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अवश्य निकाल लें, क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए आपका बेस जो है वो तैयार करेंगे। देखिए, जैसा कि बैकग्राउंड हिस्ट्री रही है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप एक विषय को डीपली पढ़िए। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल सकते हैं निकालिए, लिस्टिंग करिए, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। यकीन मानिए, ये नोट्स आपको लाइफ टाइम काम आएंगे, पढ़ते हुए भी और भविष्य में पढ़ाते हुए भी। हम शुरुआत करें कि कोई भी संचार जो लोगों के व्यापक समूह तक पहुंचता हो, जनसंचार कहलाता है। देखा जाए तो जनसंचार का सामान्य अर्थ विचारों, सूचनाओं और समाचारों को किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा लोगों तक पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। आप इसको बहुत सीधी सीधी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी सूचना, समाचार या विचार जब लोगों तक पहुंचाया जाता है किसी भी माध्यम के थ्रू, तो वो जो सारी प्रक्रिया है वो जनसंचार के तहत इंक्लूड होगी। मास कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के कम्युनिज शब्द से हुई, जिसका अर्थ है किसी बात या विषय का सबके लिए साझा करना, जबकि कम्युनिकेशन यानी कि संचार का अर्थ है अपने भाव विचार दूसरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया। मीन्स टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इम्पोर्ट, ये सारी की सारी वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप संचार करते हैं। अब कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के बारे में इन्हीं में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई, किन दो शब्दों के मेल से बना है, इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर संचार शब्द की बात करें तो वो चर धातु से बना है, चर संस्कृत का शब्द है। इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में एक पॉइंट मेंशन कर दिया गया है, पत्रकारिता और जनसंचार की संकल्पना और भारत में जनसंचार। एक लाइन का जो यह वाक्य है, यह बहुत बड़ोड विषय है जिसमें आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के तमाम कंसेप्ट पढ़ेंगे, नेचर ऑफ मास कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, वेरियस ग्रुप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, वेरियस मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और भारत में मास कम्युनिकेशन किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। रेडियो, इंटरनेट, टेलीविज़न, न्यू मीडिया, ये सारे तमाम जो मीडिया हैं आप उनके बारे में विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये सारे पॉइंट्स डीपली पढ़िए और हो सके तो अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाइए। जैसे मान लीजिए जनसंचार की प्रकृति को समझना है तो आपको ये समझना होगा कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन प्रोसेस है क्या। जैसे आप बहुत इजीली समझ जाएंगे इसको, जैसे सबसे पहले सेंडर यानी जो मैसेज भेजता है, जो संचार करता है, सेंडर का काम है संदेश को भेजना। सेंडर मैसेज को किसी विशेष मीडिया के माध्यम से एक निश्चित स्थान पर भेजता है। यह जो मैसेज है वो चित्र, ऑडियो, वीडियो आदि किसी भी सूरत में हो सकता है। सेकंड बड़ा एक डिपार्टमेंट है वो है मैसेज, कि मैसेज क्या है। अगर मैसेज कन्वे करना है तो मैसेज स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संचार में मैसेज की व्यापक भूमिका होती है। उसके बाद आता है माध्यम, मीडिया। ध्यान रहे, बिना माध्यम के संचार प्रक्रिया अधूरी है। सेंडर मैसेज को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी मीडियम का प्रयोग अवश्य करता है। इसके लिए वह पत्राचार, टेलीफोन, व्यक्तिगत मीटिंग, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, बहुत सारी बुक्स, वीडियो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सभी का प्रयोग करके सेंडर आसानी से अपना मैसेज अपने
टारगेट ऑडियंस या प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकता है। साथियों, क्योंकि मीडिया के बिना किसी भी तरह का संचार पॉसिबल ही नहीं है, एक तरह से मनुष्य जीवन का विकास जो है वो मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है, हम ये कह सकते हैं। शायद इसीलिए मीडिया को फोर्थ पिलर कहा गया है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा गया है। नेक्स्ट वन इज रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। सेंडर का संदेश जिसे प्राप्त होता है उसे प्राप्तकर्ता कहते हैं। प्राप्तकर्ता एक व्यक्ति, समूह, समुदाय, जनसमूह कोई भी हो सकता है। लास्ट वन इज फीडबैक। फीडबैक वो है जब सेंडर मैसेज भेजता है और रिसीवर उसे प्राप्त करता है, तो जो प्रतिक्रिया मैसेज के मिलने के बाद प्राप्त होती है उसे फीडबैक कहा जाता है। किसी भी सफल संचार के लिए फीडबैक का होना बेहद आवश्यक है। वैसे फीडबैक को गलती के सुधार के रूप में समझा जा सकता है। दोस्तों ध्यान रहे, कम्युनिकेशन में फीडबैक थोड़ा धीमा होता है या कह सकते हैं कि वो देरी से मिलता है। उदाहरण के लिए टीवी या रेडियो प्रोग्राम में प्रस्तुतकर्ता यह नहीं जान पाता कि जो प्राप्तकर्ता है उसने प्रोग्राम पूरा देखा या आधे में छोड़ दिया। संपादक अपने समाचार पत्र के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया नहीं जान पाता। हालांकि बहुत सारे समाचार पत्रों में लेटर टू एडिटर आता है, जिससे कि वो समाचार पत्र के बारे में या आसपास की चीज़ों के बारे में पाठक क्या सोचते हैं उनसे उन्हें पता चलता है। लेकिन फिर भी इसकी प्रोसेस बहुत धीमी है। आज कोई न्यूज़ है तो उसके लेटर टू एडिटर बहुत लेट समय पर संपादक के पास पहुंचता है या पहुंचता ही नहीं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, फीडबैक संचार की सफलता और असफलता को निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार मास कम्युनिकेशन की प्रकृति को सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और फीडबैक से आसानी से समझा जा सकता है। अगर आप इसको भी डीपली समझेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इनसे संबंधित इस पार्ट में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूँगा यूजीसी नेट से रिलेटेड नए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर यूनिट वाइज, इसलिए अगले वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, रचनात्मक बने रहिए। नमस्कार।